स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल में क्या पढ़ा हमने? लास्ट आर्टिकल में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था उसको कंप्लीट किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम वाली चीजें थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रा इमिशन स्पेक्ट्रा क्या था, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या था, इमिशन भी दो तरह का था, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा क्या थी, वो हमने ब्रीफ में पढ़ा। उसके बाद में आपके पास स्पेक्ट्रम था, उसी से रिलेटेड चीज है, क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो क्या पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में? तो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर एंड करंट इज पास्ड थ्रू देन इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी। कि जब हाइड्रोजन को किसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब में लिया जाता है लो प्रेशर के ऊपर और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तब क्या होगा, वहां हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करेगा, एमिट करेगा, वहां से निकालेगा। मतलब हाइड्रोजन से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे तो किस तरह के रेडिएशंस होंगे, मतलब किस किस लाइन में होंगे, किस किस रीजन में होंगे, वो चीज आपके पास यहाँ। तो क्या होगा कि ना जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं तो बेसिकली वहां कितनी सीरीज रहती है, पांच सीरीज रहती है। पहली सीरीज आपके पास यहाँ लाइमन, दूसरी सीरीज है यहाँ बाल्मर, तीसरी सीरीज है यहाँ पास्चन, चौथा सीरीज है यहाँ ब्रेकट और पांचवा सीरीज है यहाँ पीफन। ये होगा आपके पास, ये बेसिकली पांच सीरीज होंगी आपके पास, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रेकट और पीफन। लाइमन जो है ना, लाइमन सीरीज के लिए जो आपके पास क्या होंगे रेडिएशन होंगे समझिए, वो किस रीजन के होंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन के होंगे। वो जो रेडिएशन है ना वो किस रीजन के होंगे, अल्ट्रावायलेट यूवी। यहां तक ये है लाइमन, तो यहां वो है यूवी रीजन के, अल्ट्रावायलेट रीजन के। जबकि बाल्मर के लिए जो होंगी, बाल्मर के लिए यहां से लेकर यहां तक बाल्मर के लिए किसके लिए होंगी, वो विजिबल रीजन के होंगी। बाल्मर में जो क्या होंगी रेडिएशन होगी वो किस रीजन की होगी, विजिबल रीजन की। जबकि इन तीनों के लिए पास्चन ब्रैकेट और पीफन के लिए वो होंगी, उनके लिए पूरा 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 एक कर दीजिए बस, वो होगी किसकी, इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड रीजन की, इंफ्रारेड रीजन। ये होगा आपके लिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, पांच सीरीज मिलेंगी, पांच सीरीज होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, किस किस रीजन में होंगे, वो अल्ट्रावायलेट में, विजिबल और इंफ्रारेड में। कौन सी, लाइमर में जो मिलेंगे आपको वो यूवी में, बाल्मर में मिलेंगे वो विजिबल की होंगी, और पास्चन ब्रैकेट और पीफन के लिए होंगे वो इंफ्रा रेड। ये चीज आपके पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस किस रीजन की मिलती है, किस किस लाइन में। ये लाइन है आपके पास लाइमन, ये लाइन है लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफन, ये लाइन है। और ऊपर वाला क्या आपके पास रीजन है, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, वो आपके पास क्या है, रीजन है, क्षेत्र जिसे करें। ये होगा आपके पास। अब रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वेव्स हैं कह दीजिए चाहे, तो नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेंटीमीटर लेंथ, एक सेंटीमीटर लेंथ में, एक मीटर लेंथ में, मतलब क्या होता है, वेवलेंथ होता है, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर जो भी है, डिस्टेंस बिटवीन एनी कंजक्टिव टू क्रस्ट और ट्रफ, तो वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो आप ये समझिए एक सेंटीमीटर वेवलेंथ है या एक मीटर वेवलेंथ है,
उसमें कितनी वेव्स है, कितनी रेडिएशन है, वो कहता है वेव नंबर। तो यहाँ वो वेव नंबर का ही फॉर्मूला दे रहा है लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन से। राइवर्स जो है आपके पास वो क्या दे रहा है, राइवर्स जो है वो एक फॉर्मूला दे रहा है किसके लिए, वेव नंबर के लिए। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार या वन ओवर लैम्डा भी कह सकते हैं आप इसे, रेसिप्रोकल होता है इसका। क्या है उसके लिए फॉर्मूला, 109,677 पर सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो सेंटीमीटर होता ऊपर जाएगा पर सेंटीमीटर, ये जो यूनिट मिलेगी इसकी 109,677 वन बाई एन वन स्केयर माइनस वन बाई एन टू का स्केयर। ये होगा राइवर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है, राइवर्स फॉर्मूला। राइवर्स फॉर्मूला कि जब हाइड्रोजन से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है, तो उन रेडिएशन का कितना नंबर होगा, मतलब वेव नंबर, उसको किस तरह से निकालेंगे हम, 109,677 वन बाई एन वन स्केयर। अब एन वन क्या है, ये एन वन है आपके पास वो लाइमन सीरीज में था, क्या रेडिएशन बाल्बर में था, पास्टर में था, पीफंड में था, ब्रेकेट में था या पीफंड में था, तो वो गा एन वन। और एन वन आपके पास, एन वन जब आपके पास वन रहता है तो एन टू की वैल्यू क्या होगी, एन टू की वैल्यू होगी एन वन प्लस में वन, मतलब एन वन से एक ज्यादा। एन वन आपके पास मान लीजिए वन है या टू है आपके पास, तो एन टू कितना होगा, एन टू कितना होगा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। मतलब एन वन वन है तो एन टू कितना होगा, टू होगा। एन वन टू है तो एन टू कितना होगा, थ्री होगा। जैसे इसको वन टू लिख रहे हैं यहां पर, तो इसको और इसको क्या लिखेंगे, टू थ्री फोर, ऐसे बढ़ता जाएगा, इससे एक ज्यादा। एन वन से एक ज्यादा क्या होगा, एन टू होगा। क्योंकि ये जो बाल्मर है, बाल्मर एक केमिस्ट था, उसने सबसे पहले फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था उसने, उसने एन वन और एन टू की बजाय क्या लिखा था, सीधा यहां टू लिख दिया था। एन वन को क्या लिख दिया था, टू लिख दिया था उसने। बाल्मर जो है उसने जो फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंग क्या था, वेव नंबर इज इक्वल टू 109,677 वन ओवर टू का स्केयर माइनस वन ओवर एन टू का स्केयर। अब देखिए एन वन तो यहां टू हो गया, तो एन टू कितना हो गया, यहां थ्री फोर फाइव, ऐसे ये बाल्मर ने दिया था सबसे पहले थ्री फोर फाइव। तो जो एन वन है वो एक कम होगा एन टू से, एन टू एक ज्यादा होगा किससे, एन वन से। ये होता है राइवर्स फॉर्मूला पर सेंटीमीटर 109। और राइवर्स फॉर्मूला, इसमें राइवर्स कांस्टेंट है, ये 109,677 जो है ना, ये क्या है, राइवर्स कांस्टेंट, राइवर्स कांस्टेंट है आपके पास। ये क्या 109,677 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर कैसे आएगा पता ही आपको, वन ओवर लैम्डा है, लैम्डा सेंटीमीटर ऊपर गया पर सेंटीमीटर। ये होगा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, किसके लिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए है, हाइड्रोजन के लिए है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि किस तरह की लाइंस मिलती हैं, वो पांच लाइंस मिलती हैं, क्या क्या है उनके नाम याद रखिए बस, इन वैल्यू में कुछ ऐसा ही बस रीजन, इसका अल्ट्रावायलेट होगा लाइन का, बाल्मर का विजिबल होगा, बाकी तीनों का क्या, इंफ्रा रेड होगा। वैल्यू इनके लिए एन वन की वैल्यू मान लीजिए वन है, तो एन टू कितना, उससे एक ज्यादा होगा, टू थ्री फोर ऐसे कुछ होगा। ये था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, राइवर्स फॉर्मूला है, राइवर्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये है पेन से रिलेटेड, यहां इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, किसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा, इजी जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला से रिलेटेड, सीधा एन वन और एन टू की वैल्यू होगी, और आपको क्या निकालना होगा, वेव नंबर या वेवलेंथ निकालना होगा आपको, वेवलेंथ निकालना होगा, वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा ना, आर पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, फिर बाद में वेवलेंथ में निकालना पड़ सकता है रेडिएशन का, पूछेगा कि ना क्या वेवलेंथ था उस रेडिएशन का, इतना नैनोमीटर पिकोमीटर जो भी आ रहा है वो देखेंगे आप। ठीक है, ये होगा आपके पास, ये था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, इसे कह रहे हैं आप लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये था स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना वो क्या निकाल रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है, हाइड्रोजन रेडिएशन निकाल रहा है। ये एटॉमिक मॉडल में बहुत चीजें काम आएंगे हमारे, ये जो वेव्स निकाल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होंगी चीजें, अब आगे जो आगे मॉडल होंगे और अच्छे समझाएंगे कि ना ये रेडिएशन किस तरह से निकालते हैं, ये रेडिएशन कहाँ काम आती है। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के जो ना बात हो इन रेडिएशन के ऊपर आ रही है,
ये वो रेडिएशंस है ना, ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए काम आएंगी, जो इलेक्ट्रॉन होगा एक एटम में, कि वो किस तरह से जो फाइन लाइंस है, लाइंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही चीजें आगे बताई जाएंगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है एटम के अंदर, कैसे वो रहता है, कहाँ रहता है, क्या उसकी एनर्जी है, तो वो रेडिएशन से ही हम रिलेशन करेंगे उसका बाद में, ठीक है। तो ये याद रखें इन चीजों को, ये है आपके पास एटमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये था आपके पास। उसके बाद में हमने कितने दो तीन जो मॉडल है वो पढ़े अपने, थॉमसन, रदरफोर्ड, ये पढ़ा आपने। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो मॉडल है वो आपके पास बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर का जो मॉडल है इसके लिए एटम के लिए वो हमें पढ़ना है। तो बड़ा है ये टॉपिक थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है आपको, धीरे धीरे करके समझना है आपको। नाइन्थ क्लास में तो बिल्कुल थोड़ा सा दिया गया था बोहर मॉडल्स ऑफ एटम, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा होगा, सारी चीजें बताई जाएंगी इसके बारे में। तो आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या था, बोहर मॉडल ऑफ एटम में जो नाइन्थ क्लास के पोस्ट लेट थे पहले, तो वही, ठीक है, वही से चीज स्टार्ट होती है कि when इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट्स। मतलब इन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्क्यूलर ऑर्बिट्स, ठीक है, सर्क्यूलर ऑर्बिट को क्या कह सकते हैं आप, और स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं आप इसे, एनर्जी लेवल, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर यहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे ऐसे, किसमें, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में, और आप इसको पूरा ऐसे ऐसे करें, ये सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट है, इसको आप स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं, स्टेशनरी का मतलब स्थाई, एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं आप, स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। अब स्टेशनरी स्टेट से क्या मतलब नहीं समझेंगे आप, ये चीजें यहां पे है, स्टेशनरी स्टेट्स डज नॉट मीन दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, नो, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो स्टेशनरी है, स्थाई है ना, वो जो एनर्जी स्टेट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी जो है ना वो स्टेशनरी है, इसकी उस सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी स्टेशनरी है। मान लीजिए पहला ये सेल है, सेल एनर्जी, सेल भी कह सकते हैं आप उसे, ऑर्बिट है, ये सेल है, मान लीजिए ये ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी जो है ना वो स्टेशनरी है, ना कि ये किसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन तो इस सेल से अगली सेल में, इस ऑर्बिट से अगले ऑर्बिट में जा सकता है, लेकिन इस स्टेट, इस किसकी, इस सेल की एनर्जी स्टेशनरी होगी, इसका ये मतलब नहीं कि वह इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, स्थाई है, इलेक्ट्रॉन तो इस सेल से अगली सेल में, इस सेल से नीचे वाले सेल में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ना वो इलेक्ट्रॉन वहां स्टेशनरी है, नहीं, उस सेल की एनर्जी स्टेशनरी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसका ये मतलब होता है स्टेशनरी स्टेट, बाकी तो चीजें ठीक है, स्टेशनरी स्टेट ये होगा आपके पास स्टेशनरी स्टेट का। इन स्टेशनरी स्टेट को या इन एनर्जी लेवल को या इन एनर्जी स्टेट का, इन सर्कुलर ऑर्बिट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2, 3, 4, मतलब n = 1, 2, 3, 4, और k
एल एम एन इन स्टेशनरी स्टेट को क्या कह सकते हैं आप, 1 2 3 4 भी नाम दे सकते हैं, या के एल एम एन भी दे है, इससे अगला एन होगा, मतलब जो सेल है वो पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, या एन के सेल है, एल एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, ऐसे आप उन्हें कह सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं। ये होगा आपके पास, ये आपने सिंपली नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, या फिर आपने नाइन्थ क्लास में एक और चीज भी पढ़ी थी कि इन स्टेशन स्टेट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। एक स्टेशन स्टेट में दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, विकृत नहीं करते एनर्जी को, उस स्टेट में है वहां, तो वहां एनर्जी फिक्स्ड है, उससे ऊपर जाएंगे उससे नीचे आएंगे तो एनर्जी में क्या चेंज होगा ये आपको अगले पोस्ट में बताया जाएगा। और नाइन्थ तक जो पढ़ा आपने वही बोल रहा हूं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन स्टेशनरी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि नाइन्थ की बात थ्योरी इंपॉर्टेंट है यहां भी, ठीक है, क्योंकि अब तो आप इलेवेंथ में, तो इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो आप इस बात को किस तरह से बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कि अपने से ऊपर वाली सेल के पास जाएगा, के सेल से एल सेल में जाएगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसे एनर्जी लेगा, जबकि एल सेल से एम, एल सेल से वापस के सेल में आएगा, मतलब के सेल में जाएगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी उसे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, एल से एम में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, एम से एम में जाएगा एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है सीढ़ियां चढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वापस आएगा एन से एम के ऊपर आएगा, या एम से एल पर आएगा, एल से के पर आएगा, तब एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को छोड़ देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, तो मतलब दूर जाने का मतलब के से एल, एल से एम, एम में, एन में जाएगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे, क्योंकि एनर्जी ज्यादा आपकी जरूरत है उसको, लेकिन नीचे आएगा दूर से नजदीक आएगा तो एनर्जी क्या होगी इसकी, घटेगी, एनर्जी कम होती जाएगी इसकी, ये चीज है। तो ये उसी सेल में रहकर वो, ठीक है, उसी सेल में ये दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है उसी सेल में है तो क्या नहीं करते, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ये था आपके पास बोल्ट्जमैन मॉडल ऑफ एटम नाइन्थ क्लास से रिलेटेड। अब इसमें कौन कौन से पोस्टुलेट ऐड किए गए, क्या क्या परसेप्शन ऐड किया गया, क्या क्या मुख्य चीजें इससे रिलेटेड, कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं तो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कौन से हैं वो भी बताएंगे आपको, कौन सा क्वेश्चन आया होता आप इजिली आप उसको सोल्व भी कर देंगे, कि कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे कॉम्पिटिशन में, तो वो भी आपको बताए जाएंगे बोर मॉडल ऑफ एटम से। तो आगे है बोर मॉडल ऑफ एटम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा। आज आपको क्या करना, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और ये जो नाइन्थ क्लास में बोर मॉडल ऑफ एटम था केवल वही करना, ठीक है, इससे आगे जो है आपको किसमें अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, इतना काम आपको करना है, जो पीछे का काम बचा हुआ है संडे है, ठीक है, कल तो उसको करें, जो पीछे का काम बचा हुआ है उसको करें, कोई दिक्कत रह रही है तो पूछे उससे।